हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन का नेक्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू ऑब्टेन प्योर एल्यूमिनियम। देखिए, और इस प्रोसेस का नाम होता है हॉल हेरल्स प्रोसेस। पिछले वीडियो में आपने बेयर्स प्रोसेस पढ़ा, जिसके थ्रू आपने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया और उससे इम्प्योरिटीज को रिमूव किया और एल्यूमिना को ऑब्टेन किया था। अब इस एल्यूमिना को हम फर्दर लेके अगले प्रोसेस पे आते हैं, हॉल हेरल्स प्रोसेस, जिससे कि हम प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करेंगे। ये एक केमिकली इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, तो इसमें देखिए सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड होंगी। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अब हम जब एल्यूमिना का यूज़ कर रहे हैं, तो नेचुरली हमारे दिमाग में आएगा कि एल्यूमिना को ही हमें लेना है इलेक्ट्रोलाइट। यस ऑफ कोर्स, एल्यूमिना यानी कि Al2O3 एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ आप एल्यूमिना को लेके काम करना शुरू कर देंगे तो ये काम नहीं बनेगा। इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही है कि ये बहुत स्टेबल ऑक्साइड है, एक तो रिड्यूसिंग एजेंट से तो बाकाम ही नहीं बनता है, तो हम इसका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं। अब लेकिन इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराना भी आसान नहीं है, जिसके रीजंस के बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर ये जान लें कि यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए फ्यूज्ड एल्यूमिना Al2O3 के साथ में दो चीजें और मिलाते हैं, ये होती हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। प्योर एल्यूमिना, जैसा मैंने बोला कि बहुत अफेक्टिव नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी एल्यूमिना के लेकर इलेक्ट्रोलिसिस कराने में, तो हम इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं Na3AlF6 थ्री पार्ट। और अगर वन पार्ट एल्यूमिना लिया है बाई वेट, तब मिलाएंगे थ्री पार्ट Na3AlF6 यानी कि क्रायोलाइट, और फ्लोरस्पार मिलाएंगे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड वन पार्ट, यानी 1:3:1 के रेशियो में ये कॉम्बिनेशन लिया जाता है एफ्यूज्ड एल्यूमिना क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार का। इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये सब चीजें हम क्यों मिलाते हैं, इसका डिस्कशन अभी बाद में आएगा और ये सारे चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। लेकिन सबसे पहले इस लेवल पे यहां पे ये समझिए कि इलेक्ट्रोलाइट ये इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, और इस फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट में 1:3:1 एल्यूमिना क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाई जाएगी, जिसमें ये चैम्बर जहां पे ये प्रोसेस परफॉर्म होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का, वो स्टील का बना हुआ टैंक होता है, जिसके अंदर कार्बन की लाइनिंग बनाई जाती है, कार्बन की कवरिंग की जाती है अंदर से। तीसरी चीज, अब कैथोड और एनोड आते हैं। तो कैथोड जो है वो कार्बन लाइनिंग यानी गैस कार्बन का बनाया जाता है, और एनोड कई सारी मोटी मोटी रॉड्स ऑफ ग्रेफाइट या कार्बन से बनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, कैथोड जो है कार्बन लाइनिंग यानी गैस कार्बन का बनाते हैं, और एनोड कई सारी रॉड्स को लगाते हैं मोटी मोटी, जो कि ग्रेफाइट या कार्बन की रॉड्स होती हैं। और टेम्परेचर लगभग 950 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, और करंट इसमें 100 एम्पियर की पास की जाती है अबाउट 6-7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का परफॉर्म होता है। तो आइए जब आप इस चैम्बर को देख लें और इसमें किस तरह से ये सारा अरेंजमेंट है इसको देखें, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में वो क्या होते हैं, उनको समझें कि कैसे उससे एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है। तो बच्चों, हॉल हेरल्स प्रोसेस में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के दौरान, आइए उसके बारे में समझें और इस चैम्बर के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को जहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए, ये जो पूरा चैम्बर बना है, ये रेक्टेंगुलर टैंक जो है ये स्टील की बॉडी का बना हुआ है, और इसके अंदर गैस कार्बन की लाइनिंग है, यहाँ पे कार्बन की लाइनिंग है। ये देखिए, ये स्टील का बना हुआ टैंक होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, Al2O3 प्लस Na2AlF6 प्लस CaF2 1:3:1 के रेशियो में इसको भरा जाता है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, यहां से आप देख सकते हैं ये एक ओपनिंग बनी हुई है, जिसके थ्रू मोल्टेन स्टेट में बाद में एल्यूमिनियम प्योर, जो आप एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आएगा वो ऑब्टेन किया जाएगा। उसके लिए कंटेनर रखा जाता है। इसके अंदर की ओर आप ये देखिए, ये जो एक थिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये है कैथोड, जो कि गैस कार्बन लाइनिंग का बना हुआ कैथोड होता है। ये पूरा कैथोड है जो इसके बॉर्डर से स्टील टैंक पे लगा हुआ है, और इसके अंदर देख सकते हैं आप, ये कई सारी कार्बन की रॉड्स हैं जो कि एनोड बनाती हैं, यानी ये कई सारी कार्बन की रॉड एनोड हैं जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड हैं, और यहाँ पर ये कैथोड है जो कि गैस कार्बन का है। इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी बात पे ध्यान देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप देख सकते हैं एनोड
और कैथोड के रिलेशन में, ये देखिए कैथोड है, कैथोड का रिलेशन नेगेटिव टर्मिनल से है। इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, ये जो गैस कार्बन का बना हुआ कैथोड है ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है एनोड को, और यहां पर एक की लगाई गई है, ये बैटरी लगी हुई है, और एक ये चार्ज कंट्रोल लैंप होता है। इसकी भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भी ध्यान देना जरूरी है कितना टेम्परेचर हो, कितनी करंट हो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां मेंटेन किया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में। तो इन सब के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले तो ये समझिए एक चार्ज कंट्रोल लैंप लगाते हैं, बैटरी से कनेक्शन करके एनोड और कैथोड को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से आप ये पूरा एक एक चैम्बर का डायग्राम भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं इनमें रिएक्शन कैसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में आयोनाइजेशन होगा, डिसोसिएशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स होगा इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखिए क्रायोलाइट ब्रेकअप होगा, Na3AlF6 ब्रेकअप होगा, तो 3Na+1, Al3+1, 3+ और 6F1-, ये तीन कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फ्लोरस्पार को देखें तो CaF2 भी ब्रेकअप होगा, तो Ca2+ और 2F1-, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन में ब्रेकअप हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम तीसरा बचा है, एल्यूमिना, तो एल्यूमिना Al2O3 भी ब्रेकअप होगा 2Al3+ और 3O2- में। मींस आप देख सकते हैं ये तीनों में आयोनाइजेशन हो गया इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपोनेंट थे, और ये क्रायोलाइट फ्लोरस्पार और एल्यूमिनियम इनमें एल्यूमिना इन सब में जब डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन हुआ तो ये कैटायन और एनायन बन गए। अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट में एक सर्टेन लेवल पे, जो आपको अभी बताया था मैंने कि 6-7 वोल्ट पे लगभग 100 एम्पियर की करंट फ्लो कराते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और कैथोड पे देखिए क्या होगा, Al3+ एल्यूमिनियम के जो आयंस हैं ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे और प्योर एल्यूमिनियम ऑप्टेन होने लगेगा। कहां पर ऑप्टेन होगा, कैथोड पे ऑप्टेन होगा, ये जो कैथोड बना हुआ है ना आपका, यहां पे एल्यूमिनियम ऑप्टेन होने लगेगा। और एनोड पर ऑक्सीजन के जो एटम कैटायन हैं ये इलेक्ट्रॉन इनसे रिलीज होंगे, यानी यहां से ऑक्सीजन रिलीज होगा और ऑक्सीजन एटम बनेंगे जिससे कि ऑक्सीजन बन जाएगी और रिलीज हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है एनोड से ऑक्सीजन और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, और कैथोड पे हमको प्योर एल्यूमिनियम ऑप्टेन होता है जो कि मोल्टन स्टेट में बाद में यहां से कलेक्ट कर लिया जाता है नीचे की ओर। तो इस तरह से आप देखते हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, और हमको कैथोड पे एल्यूमिनियम ऑप्टेन हो जाता है और एनोड पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्टेन हो जाती है। तो इस वीडियो में आपने ये पूरा प्रोसेस समझ लिया, जो कि बहुत डिटेल में आपने समझ लिया। अब हम यहाँ पर बहुत सारी बातें आती हैं कि हमने ये कार्बन लैंप क्यों लिया है, गैस लाइनिंग का कैथोड और एनोड क्यों बनाया है, हमने यहाँ पर एल्यूमिना के साथ में ये क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार क्यों मिलाया है, टेम्परेचर इतना क्यों रखा है, या करंट कितनी पास कर रहे हैं और वोल्टेज कितना रख रहे हैं, डिफरेंट तरह के रीजन बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं इसमें। इन सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।